एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। एंड आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं हूँ सुचिता और प्राचित मेरे बेटे का नाम है। सो गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी आप अपनी साड़ी की कलेक्शन दिखाओ। सो ये साड़ियाँ वो हैं जो ऑलरेडी मेरे पास हैं और जो कि थोड़े हैवी हैवी साड़ी हैं। तो आप लोग कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आप लोग सारी साड़ियों को देखो। और ये साड़ी थोड़ी हैवी हैवी है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। और मोस्टली लहंगा टाइप वाली साड़ियाँ हैं, जो भी लहंगा साड़ी टाइप होती हैं वो सारी हैं। और कहाँ से ली है, कब ली है, और अगर किसी और ने लाया है तो कहाँ से लाया है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो ज़्यादा नहीं, 5 या 6 साड़ियाँ हैं जो कि लहंगा भी है उसमें और साड़ियाँ भी है जो कि मैं लहंगा साड़ी टाइप पहनती हूँ जो भी। सो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साड़ी से। तो फर्स्ट मेरी साड़ी है ये वाली, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखी है। और ये मेरे शादी के बाद पहली जो छठ थी उसमें मैंने ली थी। और इसका कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का है। पॉलीथीन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, ये इसका प्लास्टिक पता नहीं है या नहीं है। बट ये मेरी फर्स्ट लहंगा साड़ी है, आप लोग ये देख सकते हो। ये बनारसी टाइप की है और ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला जो है ये साड़ी वाला पोर्शन है। और नीचे आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत सा बॉर्डर दिया हुआ है। इसका पूरा वर्क मुझे काफ़ी प्रिटी लगता है। और ये पूरा ही ऑरेंज शेड में है और इसका जो आँचल है वो डिटैच्ड है। तो आपको इसको सिर्फ लहंगा की तरह, घाघरा की तरह इसको आपको राउंड राउंड करना है। एंड दैट्स इट। जब राउंड राउंड कर लोगे तो इसके साथ की जो आँचल है वो आँचल मेरा ये है जो कि एक दुपट्टा के उसमें है। सो बेसिकली ये एक दुपट्टा जैसा है और आप इसको किसी और के साथ भी पहन सकते हो, बट फिर भी मैं ये बोलूँगी आप इसी के साथ पहनो क्योंकि मैं बहुत टाइम इसी के साथ पेयर की हूँ। एंड इसका आप एक साइड में देख सकते हो टेसल लगा हुआ है। और ये तब मैंने लिया था जब ये टेसल बहुत न्यू चला था, अब तो काफ़ी जगह पर मिल पा रहा है। सो ऑलमोस्ट ये 2.5 साल पुराना है। एंड मेरा जब शादी के बाद पहला छठ था तो मैंने उस पर लिया था। और इसकी पिक भी मैं लगा दूंगी जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ क्लिक करवाई थी। और ये काफ़ी ग्रीन कलर जो है ये बहुत ज़्यादा ही डार्क ग्रीन है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का ग्रीन है। एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है मुझे इसके साथ। और साथ में ही इसका जो भी ब्लाउज मिला था वो मैंने बोट नेक में सिलाया है। एंड मुझे थोड़े से गले छोटे ही रहते हैं तो ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके भी हाथ में आप लोग देख सकते हो स्लीव्स पे इतने, ये जो सेम बॉर्डर का ही वर्क दिया हुआ है इसका, तो मैंने इसी का बनाया था। और ब्लाउज़ थोड़ा सिंपल ही है लेकिन काफ़ी प्रिटी है क्योंकि इसका जो ये बॉटम दिया हुआ है वो मैचिंग इसके साथ ही दिया हुआ है। और साइड में मैंने ज़िप लगवाया था यहाँ पे क्योंकि मुझे ज़िप वाले ब्लाउज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये तब का है जब मैं अभी मम्मी बनी थी, मतलब प्रोग्रेस में थी, मतलब मम्मी होने बनने वाली थी, यानी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं, तब मैंने ये लिया था। सो ये थी मेरी फर्स्ट साड़ी। एंड आप लोग गाइस, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी साड़ी ज़्यादा प्रिटी लगी। तो ये मेरी वन ऑफ फेवरेट है। और हैवी साड़ी मेरी यहीं पे रह गई है क्योंकि मोस्टली मेरी शादी के बाद यहीं पे फंक्शन पड़ा है। तो जब भी फंक्शन पड़ा है तो मैं आती हूँ तो छोड़ के चली जाती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ तो यहाँ छोड़ के चली जाती हूँ, और ससुराल में लेती हूँ तो वहीं छोड़ के चली जाती हूँ। और लड्डू थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है तो आप लोग उसको एक्सक्यूज़ करना। मेरी सेकेंड साड़ी है ये, और ये भी एक लहंगा साड़ी है, और इसका कलर भी थोड़ा सा मस्टर्ड एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है ये। और ये मैंने अपने भाई की इंगेजमेंट पे ली थी। जिन लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो मैं इसके साथ में पहले इसके ब्लाउज़ के बारे में बता देती हूँ। ब्लाउज़ आप लोग देख सकते हो काफ़ी हैवी है। एंड अगेन इसमें भी साइड ज़िप लगाया है मैंने, यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन भी लगाया है क्योंकि साड़ी जब भी पहनो तो पिन चाहिए होता है। तो ये जो ब्लाउज़ है ये काफ़ी हैवी है और ये मैंने सिवान से ही लिया है। और जो ये साड़ी जो है मेरी वो भी मैंने सिवान से ही लिया है। और ये दोनों ही सेम स्टोर से मैंने लिया हुआ था,
ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मतलब कि मैं ही जाके लेके आई थी, बट मम्मी की तरफ से था ये। और ये इंगेजमेंट पे मैंने लिया था खुद। और इसका ब्लाउज मैंने पैडेड बनवाया था, क्योंकि थोड़ा लहंगा का ब्लाउज हैवी होता है तो, और यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन कट वट नहीं करना चाहती थी, अदरवाइज मुझे नेक थोड़ा मतलब ये कवर्ड, मतलब कि आगे से थोड़ा सा नेक छोटा रहता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है आगे और पीछे से, तो इसका मैं कोई डिज़ाइन कट नहीं करा सकती थी, इसलिए मैंने इसको पैडेड बनवाया ताकि मुझे कोई वो नहीं हो। और ये पूरा मैचिंग है साड़ी के साथ ही। और जो दूसरी है मेरी साड़ी का, आप लोग ये देख सकते हो कि साड़ी मेरी कुछ ऐसे मस्टर्ड से कलर में है। और ये पूरे में ये जो है साड़ी का आँचल है जो मस्टर्ड कलर का है, और जो इसका बॉटम है वो काफ़ी प्रिटी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये साड़ी का बॉटम है जो कि एक लहंगा के तरह में आता है। मैं पिक अटैच कर दूंगी सभी की, बिकॉज मैं अभी पहन के तो नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये नाड़ा लगाने के लिए मुझे मिला हुआ है, मतलब कि डोरी यहाँ से लगा सकते हैं, तो ये कमर आ जाएगा लहंगे का, पूरा ये लहंगे का कमर है। और नीचे से काफ़ी प्रिटी है ये, आप लोग देख सकते हो। क्लोज पिक्चर क्लोजली लो, अरे पास से लो, क्लोज मैंने पास से जा रही लो बस। एंड गाइस, ये इसका बॉटम पार्ट है और ये इसका आंचल पोर्शन है। सो ये यहाँ आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, तो मुझे ये काफ़ी प्रिटी लगता है। और इसका रेंज भी काफ़ी रीजनेबल है, दोनों का रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है, 4000 के अंडर है। तो ये मेरी वन ऑफ फेवरेट साड़ी है और इसको ही मैंने 2 बार पहन लिया अभी तक, तो लिए हुए काफ़ी उतना टाइम भी नहीं हुआ। मैंने भैया की इंगेजमेंट पे लिया था, तो ये भी सिवान से ही परचेज किया हुआ है साड़ी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ। और ये साड़ी भी बहुत सारे लोगों ने एल्बम जब देखा था तो पूछा था कि दी कहाँ से लिए हो आप, मतलब कन्यादान की साड़ी। तो बेसिकली ये मेरी कन्यादान की साड़ी है, ये सिंपल सी साड़ी है नेट वाली, और ये मैंने दिल्ली से लिया था जब मेरी शादी अभी होने वाली थी, हुई नहीं थी, कुछ टाइम पहले ले लिया था। तो ये भी काफ़ी प्रिटी लगता है मुझे, आप लोग इसका बॉर्डर देख सकते हो, ये थोड़ा लाइट क्रीम कलर में। और यहाँ पे कन्यादान के लिए पूरा परफेक्ट है, क्योंकि कन्यादान हमारे पिंक में ही होता है। और ऐसे पूरी साड़ी हैवी हैवी है, आप लोग देख सकते हो। इसका ब्लाउज ये वाला है जिसका बॉर्डर सेम साड़ी के बॉर्डर से मैच करता है, बट ब्लाउज का ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा ग्लिटरी है, शाइनी मटेरियल का है। तो ये मेरी साड़ी है और इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं, स्टोन वर्क है और ये कंप्लीट स्टोन वर्क है, और इसके साथ छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं। सो बेसिकली ये मेरी थर्ड साड़ी थी और मुझे ये थोड़ा सा हैवी भी लगता है, वेट वाला है काफ़ी। सो नेक्स्ट गाइस, इसके साथ इसके बाद मेरा ये जो थर्ड वाला है वो भी एक लहंगा ही है, और ये मैंने अभी रिसेंटली पहना हुआ था तो मैं इसको रख के चली गई थी। और ये लहंगा भी काफ़ी प्रिटी है, और इसका ब्लाउज मैंने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, बट मैंने इसे रिसेंटली इसी के साथ मैच किया था, तो ये ब्लाउज भी इसके साथ चल जाता है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो इस लहंगे के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा, क्योंकि ग्रीन सा शेड इसमें भी है। तो मैंने इसके साथ ही इसको पैरअप किया था, इसकी चुन्नी भी मैंने कहीं रखी हुई है, रिसेंटली मैंने कहीं वेयर किया था तो कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, भैया के संगीत पे मैंने इसको मैंने अपने भैया के संगीत में पहना था, तो इसके साथ ही पहना था मैंने पैरअप करके। बट इसका ब्लाउज भी काफ़ी प्रिटी है और वो भी इसी कलर का है, तो आई थिंक मैंने इसके ब्लाउज को एक बार साड़ी के साथ पैरअप किया है, तो वो कहाँ रखा है मैंने वो मैं चेक करूँगी। बट मैंने इसके साथ भी इसको पहना हुआ है संगीत के टाइम पे। और ये लहंगा भी मैंने सिवान से ही लिया है और काफ़ी कम रेट में लिया है, मतलब कि मुझे लगता है ये 3000 से भी कम के रेट में मुझे मिल गया था, और ये कलर मेरे पास था नहीं, मुझे ऐसा चाहिए भी था,
तो बस मैंने ये लिया था 3000 के रेट में ही है, मुझे इतना पता है। इसके साथ मैंने ऐसा सा लटकन लगवाया हुआ था और थोड़ा हैवी सा भी इसमें एक और लटकन था जो कि मैंने अभी दूसरे ब्लाउज के साथ पहन लिया है, उसको फिटिंग करा लिया है। क्योंकि लहंगा एक ऐसा चीज़ है जो आप ज़्यादा नहीं पहन सकते हो, तो मैंने इसको अभी रख दिया हुआ है। काफ़ी पहना भी है मैंने, एक दो बार पहना हुआ है, लेकिन अभी इसको रख दिया। सो गाइस, नेक्स्ट जो मेरी साड़ी है मुझे काफ़ी प्रिटी लगती है भी बहुत प्रिटी है। ये एक ब्लू से शेड में है साड़ी और इसका बॉर्डर आप लोग देख सकते हो, गोल्डन वर्क है और स्टोन वर्क है। ये साड़ी मेरे भैया ने, मेरा भाई लेके आया था मेरी मम्मी के लिए, बट मम्मी ने मुझे दे दिया था, तो फिर भैया ने बोला था कि इसको ही दे दो जब मेरी पहली विदाई हुई थी, जब मैं पग फेरे के लिए आई थी और गई थी जब तब भी। सो ये साड़ी मुझे काफ़ी प्रिटी लगती है, काफ़ी प्रिटी और है भी बहुत प्रिटी है। पूरा फुल नेट का वर्क है, आप लोग देख सकते हो नेट पे ये स्टोन वर्क किया हुआ है। और इसका ब्लाउज भी काफ़ी प्रिटी है, ये इसका ब्लाउज है और ये बिना फिटिंग के ही ब्लाउज सिलाया हुआ था, लेकिन मुझे बहुत प्रिटी लगता है। और ये सिंपल सा है, फ्रंट में ऐसा है और बैक में थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट साड़ी की तरफ, जो कि साड़ी नहीं लहंगा है। सो वन ऑफ माई लहंगा जो कि मुझे बहुत प्रिटी लगता है और आप लोग इसको देख सकते हो। सो ये मेरा वन मोर लहंगा जो कि पर्पल और डार्क कॉफी कलर के शेड में है, ये आप लोग देख सकते हो। इस पे बेल का डिज़ाइन दिया हुआ है और कैन कैन भी है इसमें, और इसका रेट भी सारा मतलब बहुत सही सही मिला था। ये मैंने अपने संगीत पे पहना था, इसकी पिक भी मैं आप लोगों के साथ अटैच कर दूंगी। इसकी ब्लाउज मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है साड़ियों के साथ, मैं साड़ी वाली भी पिक लगा दूंगी जिसके साथ मैंने इसका ब्लाउज पहना है, क्योंकि मेरे पास सेम कलर की साड़ी भी थी। इसमें आपको ऊपर हैवी वर्क मिलेगा, नीचे आपको एकदम सिंपल, और इसका ब्लाउज भी काफ़ी हैवी है। सो ये कुछ ऐसा है और इसका रेंज भी 5000 के आसपास ही है। ये मेरा मेरी शादी के वक्त मैंने लिया था, मतलब मम्मी ने दिलवाया था मुझे मेरे संगीत के लिए। और इसकी चुन्नी ऐसी है, सो ये पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में है। तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी हैवी हैवी जितनी साड़ियाँ थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू हैव इन्जॉयड। और कौन सा आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया कॉमेंट करके बताना, एंड नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी ही आएगा, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। और पीछे से लड्डू की आवाज़ भी आ रही है। सो गाइज, कंटिन्यू वॉचिंग आर नेक्स्ट व्लॉग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिन लोगों ने भी नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज, बाय बाय।